रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। दो नदियां उफान पर, 18,000 लोगों ने अपना छोड़ा घर। आप भी रहें सावधान, देश भर में मौसम की उथल पुथल से तबाही मची हुई है। कहीं बारिश, कहीं गर्मी तो कहीं आंधी तूफान, हर जगह मौसम के तांडव ने सैकड़ों जिंदगियां निगल ली हैं। नई दिल्ली, देश भर में मौसम की उथल पुथल से तबाही मची हुई है। कहीं बारिश, कहीं गर्मी तो कहीं आंधी तूफान, हर जगह मौसम के तांडव ने सैकड़ों जिंदगियां निगल ली हैं। गर्मी के मौसम में देश की राजधानी तपते हुए 44 डिग्री तक पहुंच गई है। वहीं त्रिपुरा में पिछले 24 घंटे से जारी तेज बारिश के कारण नदियों में ही नहीं कई इलाकों में भी पानी भर गया है। बाढ़ के कारण 6 लोगों की मौत हो गई है और 18,000 से ज्यादा लोगों ने घर छोड़ दिया है। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, त्रिपुरा में हजारों लोगों के घर पानी में बह गए। दाना पानी और बुनियादी जरूरी वस्तुएं भी जलमग्न हो गई हैं। त्रिपुरा में खतरा अभी भी टला नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जाहिर की है, जिसके बाद से बाढ़ की चपेट में आ सकने वाले गांव खाली करा दिए गए हैं और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। NDRF ने की मीडिया से बात, एक अंग्रेजी पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक NDRF के एक अधिकारी ने बताया कि 4,559 परिवारों ने बारिश के चलते घर छोड़ दिया है, जिसमें 17,840 लोग शामिल हैं। वहीं इसको लेकर सरकार ने विभिन्न जिलों में एक खतर कैंप बनाए हैं। दो नदियां उफान पर, रिपोर्ट के मुताबिक हावड़ा और गोमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, तो वहीं अगरतला, पश्चिमी त्रिपुरा, खोवई, गोमती सहित कई जिलों में पानी भर गया है, जहां अलर्ट जारी है।